फाइनली गाइज साच पास ऑन द टॉप। भाई बारिश बहुत ज़्यादा लगी है यहाँ पर, तो अब समुद्र तल से साच पास की ऊंचाई 14,500 फीट है, जो कि 4,500 मीटर बनता है। यहाँ पर काली माता का मंदिर भी है। यहाँ पर हम माता का आशीर्वाद लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। जूते अब मैं गाड़ी में ही लगाऊंगा भाई, बुरा हाल हो गया। यहाँ से निकलते हैं, फोटो भी नहीं क्लिक करी गई। बहुत ठंड है भाई यहाँ पर। शीशा बंद करें जल्द से जल्द। बारिश लगातार होती ही जा रही थी, लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। अगर ऐसी जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो और रास्ता बंद हो जाए तो हम यहाँ फंस जाएंगे। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। ये देखिए पत्थर, ये तो कहाँ से आ रहा है। साच पास से नीचे उतरते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे सिर में दर्द महसूस होने लगा। शायद ये ऊंचाई की वजह से था। इस वजह से मैंने बगोटू तक की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन रास्ता वही रहा, खतरनाक और डरावने मोड़, जहां पर हमें संभल कर चलना पड़ रहा था। रास्ते में कई ऐसे मोड़ थे जहाँ ट्रक को एक बार में मोड़ना मुमकिन ही नहीं था। हमें बार बार पीछे करके ट्रक को सही दिशा में लाना पड़ रहा था ताकि ट्रक सुरक्षित तरीके से मुड़ सके। आखिरकार हम बगोटू पहुंचे, जहां हमने चाय का छोटा सा ब्रेक लिया। बगोटू वो जगह है जहां अक्सर ट्रक ड्राइवर रुकते हैं। यहां दो छोटे ढाबे हैं और जब देर हो जाती है तो ड्राइवर यहीं रात बिता लेते हैं, लेकिन आज हम समय पर हैं, इसलिए हमने बस थोड़ी देर रुककर आगे का सफर शुरू करने का फैसला किया। आगे का रास्ता भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब हमें और खतरनाक मोड़ों और ऊंचाई से गुजरना है। यहां से सफर और भी रोमांचक और जोखिम भरा हो जाएगा, लेकिन हम तैयार हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं बगोटू में और चाय पानी करेंगे। कितना टाइम हो गया हमें चले हुए? लगभग 6-7 घंटे। सड़क के बारे में बताओ, कैसा है आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। पिछली बार भी आप आए, उससे अभी में कितना फ़र्क है? थोड़ा ठीक लग रहा है पिछली बार से। पिछली बार से ठीक है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। आप बताइए भाई। बढ़िया है, बढ़िया। पिछली बार थोड़ी बारिश कर रही है, डिस्टर्ब बारिश कर रही है सर, बाकी अच्छा है। इंजन मुझे थोड़ी खुली हो गई है, बढ़िया है। आने वाले कुछ सालों में अच्छी हो जाएगी? अच्छी तो हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चाय वैसे मैं पीता नहीं हूँ, बट ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर, पीनी पड़ेगी। यहाँ पर भाई लोग यूरिया फिल कर रहे हैं ट्रक में। दोस्तों, इस सफर में सबसे बड़ा सम्मान उन ट्रक ड्राइवरों का है जो हर रोज अपनी जान को खतरे में डालकर इन खतरनाक सड़कों पर सफर करते हैं। साच पास जैसी जगहों पर ड्राइव करना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर मौत का सामना करना पड़ता है, और यह वही लोग हैं जो भारी भरकम सामान को इन मुश्किल रास्तों से पार करके हमारी जरूरतों तक पहुँचाते हैं। जरा सोचिए, जब हम आराम से अपने घरों में बैठे होते हैं, यह ड्राइवर पहाड़ों की खतरनाक सड़कों पर और ऊंची नीची ढलानों पर अपनी ट्रक को संभाल रहे होते हैं। एक छोटी सी गलती
और सब कुछ खत्म हो सकता है। हर मोड़ पर ट्रक का बैलेंस बनाए रखना, हर चढ़ाई उतराई को सुरक्षित पार करना, ये सब असली हीरो का ही काम है। इनकी मेहनत और समर्पण के बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। ये सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, ये हमारे लिए दिन रात मेहनत करने वाले योद्धा हैं। हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने कंधों पर हमारी जिम्मेवारियों का बोझ उठाते हैं। तो अगली बार आप किसी ट्रक को इन खतरनाक रास्तों पर चढ़ते हुए देखें, तो सोचिए कि उस ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर कितनी हिम्मत और कुशलता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इन ट्रक ड्राइवरों को सलाम है, जो हर दिन हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। पूरी जगह गाड़ी सेफ लेके आ गए ना, अब उस साइड बिल्कुल मतलब एक इंच बचा, और इस साइड बीनू भाई गड्डी में क्या बोला, गड्डी बैठ लिया था मैं ना। जैसे ही हम बगोटू से नीचे की ओर बढ़े, हमारे सामने एक ऐसा खतरनाक रास्ता आया जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया था। ऊपर से झरने का पानी बह रहा था और हमें उस झरने के अंदर से ट्रक को गुजारना था। ये नज़ारा देखने में जितना ही अद्भुत था, उतना ही डरावना भी। पानी ऊपर से सीधा ट्रक पर गिर रहा था और नीचे से हमारा ट्रक सावधानी से पार कर रहा था। एक तरफ प्रकृति की खूबसूरती थी तो दूसरी तरफ खाई का डर। झरने के अंदर से गुजरते हुए हर पल ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर जरा सा भी ध्यान भटका तो नीचे गहरी खाई हमारा इंतजार कर रही थी। यह दृश्य वाकई रोमांच से भरा हुआ था। एक ऐसी जगह जहाँ कुदरत की सुंदरता और खतरनाक मोड़ एक साथ मिलते हैं। यह सफर हमें हर मोड़ पर कुछ नया सिखा रहा था, लेकिन इस झरने से गुजरने का अनुभव कभी ना भूलने वाला था। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए भाई साहब, ये देखो अक्सर जब भी हम ऐसी नई लोकेशन जो आपके लिए नए है, जहाँ पर आप कभी नहीं गए, तो अलग ही एहसास है उस जगह का, तो अनुभव कर रहा हूँ उसका। ये देखो कितना भाई साहब ये डरावना लग रहा है ऊपर।
यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे, अभी और भी आगे जाना है। रात के 9 बज चुके थे लेकिन रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ा आगे चलकर हमें पक्का रास्ता भी मिल जाता है लेकिन सड़क फिर भी पतली है। भाई इस पे चलना वैसे भाई साहब पूरा ट्रक, मतलब इसके अलावा मुझे लग रहा है बंदा भी नहीं चल सकता कोई इसके ऊपर, है ना भाई? और हिल रहा है भाई, ये लिटरली हिल रहा है बहुत ज़्यादा। ओहो, और नीचे है चंद्रभागा। अभी तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ नीचे, बट कुछ डरावना सा ही मंजर लग रहा है मुझे नीचे। भाई सुबह देखना, सुबह देखेंगे। तांदी 125 अटल टनल, 155 चंडीगढ़ 497 मंडी 303 अटल टनल 155 किलोमीटर। रात के 10 बजते बजते हम आखिरकार किलाड़ पहुंच गए। अब कल का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। कल हम किलाड़ से शोर की ओर बढ़ेंगे जहां FCI गोदाम तक का सफर दिखाया जाएगा। वीडियो ड्यूरेशन ज्यादा हो गई है इसलिए इस सफर का अगला हिस्सा अगले वीडियो में ही कवर होगा। इस सड़क पर हम चंद्रभागा नदी के साथ साथ सफर करेंगे, आपको देखने में भी मजा आएगा क्योंकि कई जगहों पर पास देने के लिए हमें 1 किलोमीटर से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ता है। ये सड़कें BRO ने बनाई हैं और ऐसी खतरनाक चुनौतीपूर्ण जगहों पर रोड बनाने का काम सिर्फ BRO ही कर सकता है, इसलिए सलाम है BRO को। अगले वीडियो में आपको वो पल देखने को मिलेगा जब हमारी एक ट्रक ड्राइवर के साथ बहस हो जाती है। ये रास्ते हैं ही ऐसे जहां हर कदम पर धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। कल का रास्ता और भी मुश्किल और रोमांचक होगा और वो सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि एडवेंचर अभी बाकी है।